तो देखिए किस तरीके से लगातार इस पर जांच चल रही है, सैंपल्स को इकट्ठा किया गया है और अब आपको 8 तस्वीरें राजकोट हादसे से जुड़ी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो गेम जोन है ये डेड जोन में तब्दील हो गया है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि भीषण आगजनी हुई, टीआरपी जोन जो धधकने लगा, और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं और चौथी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से मालिक समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गुजरात में ये अग्निकांड हुआ है। कई ऐसे लूपहोल सामने आए हैं जिसकी वजह से ये अग्निकांड हुआ है और इसी को लेकर अब जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। देखिए किस तरीके से गेम जोन में भारी संख्या में टायर और फर्नीचर से लेकर लकड़ियों का भी काफी मटेरियल मौजूद था। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, जतिन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन देखिए किस तरीके से लगातार जांच चल रही है, आगे बढ़ रही है, एसआईटी की टीम का गठन हो गया है, इस समय क्या अपडेट आपके पास है? आज बिल्कुल देखिए इस पूरे एक तरीके से फायर इंसिडेंट में अभी तक 27 लोगों की मौत हुई है और जो इनिशियल जानकारी मिल रही है तकरीबन 5 के आसपास ऐसे लोग हैं जो अभी तक मिसिंग है, जिनके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। सीधी तस्वीरें अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो ये पूरा टीआरपी गेम जोन था। आप देखेंगे अब मलबे में पूरे तरीके से तब्दील हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी थोड़ी देर के लिए रोका गया और आप तमाम जेसीबी मशीनों को यहां पर देखेंगे जो कल रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा था। आप ये देखेंगे कि पूरा जो ये पूरा गेमिंग जोन है वो कहीं ना कहीं टीन और शेड से बना हुआ था, जिस वजह से आग लगना और उसको काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मेरे वीजी अगर आपको इस पूरे परिसर की एक 360 एंगल तस्वीर दिखाएंगे तो आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि ये पूरा गेमिंग जोन कितना बड़ा है। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये राजकोट का सबसे बड़ा गेमिंग जोन है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़े परिसर में ये गेमिंग जोन जो है वो बना हुआ था और कल शनिवार था, वीकेंड का दिन भी था, तो अमूमन इस गेमिंग जोन में भीड़ भी ज्यादा थी, गर्मियों की छुट्टी पड़ी हुई है तो बच्चे भी खेलने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लेंगे जिसने कल सभी को विचलित किया, 27 लोगों की मौत हुई है, 16 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है और 5 ऐसे लोग हैं जो अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। जो एसआईटी का गठन किया गया कल वो एसआईटी यहां पर पहुंची थी। आप देखेंगे कि पूरे गेमिंग जोन को बैरिकेड कर दिया गया है, लेकिन किसी भी तरीके की परमिशन यहां पर नहीं थी, फायर एनओसी नहीं थी, पुलिस को जानकारी नहीं थी, राइड चलाने के लिए जो परमिशन लेनी होती वो परमिशन नहीं ली गई। आप सबूत के तौर पर देखेंगे अगर मेरे वीजा आपको पैन कर तस्वीर दिखाएं तो लाल रंग की पाइप आपको जाते हुए नजर आ जाएगी। दरअसल ये फायर इक्विपमेंट्स का एक हिस्सा होता है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि बहुत इनिशियल स्टेज पे था, अभी ये पाइप का जो काम है यहां पर किया जा रहा था। तो जिस तरीके से फायर ऑफिसर भी बोल रहे थे कि किसी भी तरीके से एक एनओसी नहीं दी गई थी या कोई परमिशन नहीं मांगी गई थी, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि अभी भी यहां पर काम चल रहा था। तो अंडर कंस्ट्रक्शन गेमिंग जोन को इस तरीके से फंक्शनल कर देना और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं काफी चैलेंजिंग है। अंदर किस तरीके का सामान होगा वो अगर मैं आपको यहां पर तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखेंगे कि टायर्स यहां पर बड़ी संख्या में पड़े हुए हैं, क्योंकि जब आग लगी और उसके बाद इवैक्यूएट करना लोगों को शुरू किया, जो सामान था उसको बचाना शुरू किया, तो ये टायर आप देखेंगे ये प्लास्टिक के टायर है, रबड़ के टायर है, अगर इनमें भी आग लगती है तो उसको बुझाने में काफी चैलेंजिंग होता है, काफी मुश्किल होती है। आप देखेंगे झूलों को, राइड्स को चलाने के लिए इस तरीके से मोटर्स होती है जिसके अंदर पेट्रोल डीजल, जिससे आप बता रहे हैं देखिए किस तरीके से कितने लूपहोल से अंडर कंस्ट्रक्शन ये गेमिंग जोन था जिसको खोल दिया गया बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि सरकार आपके साथ है, जनता को भरोसा दिलाया है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आइए सुनते हैं। राजकोट में जो एक बहुत ही दुखद घटना बनी है जिसमें अनेक परिवारजनों को अपने स्वजनों को खोना पड़ा है, साथ साथ में कई बच्चों का भी इसमें देहांत हुआ है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश से एसआईटी जो बनाई गई है वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है, ये पूरी तहकीकात जल्द से चालू की जाए और जल्द से जल्द इसमें न्याय देने की प्रक्रिया और न्याय देने के लिए मेहनत की जाएगी। यहाँ पे जो दुखद घटना बनी है उसके तहत पुलिस द्वारा अभी कार्रवाई चालू है और यहाँ का जो मालिक हैं और मैनेजर हैं उनको पुलिस स्टेशन में अभी पूछ परछ के लिए ले गए हैं।
और बाकी इसमें अभी आगे जो फायर सेफ्टी वाले हैं उनके जो रिपोर्ट आएंगी, एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर से आगे की कार्रवाई नक्की की जाएगी।